तो हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनेशन, और अभी तक हम लोगों ने पॉलिनेशन टॉपिक के लिए 3-4 वीडियोस किए, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पॉलिनेशन को कंप्लीट करेंगे। लेकिन प्रीवियस वीडियोस में हमें एक बात ये समझ में आ गई है कि पॉलिनेशन एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल पे। द मीन इज दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को मैं बोल रहा हूं पॉलिनेशन। और ये भी हमको पता है डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन कि पॉलन ग्रेन्स का सोर्स क्या है, इसके बेसिस पे हम लोग पॉलिनेशन को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। मैंने आपको बताया था कि टोटल 3 ही प्रोबेबिलिटीज बनती हैं कि अगर प्लांट कैसा है, मोनोइसियस है, और फ्लावर्स कैसे हैं, बाइसेक्सुअल हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। तो हो सकता है कि एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो और उसी फ्लावर के पिस्टिल के स्टिग्मा पे जाकर के लैंड कर जाए, एक प्रोबेबिलिटी तो ये बनती है। और दूसरा चांस ये भी बनता है कि एक प्लांट के एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो और उसी प्लांट के डिफरेंट दूसरे फ्लावर के पिस्टिल के स्टिग्मा पे लैंड करे, ये दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में प्लांट आपका सेम है। तो अगर प्लांट सेम है तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ये बात आपको पता चले कि प्लांट सेम है, मोनोइसियस प्लांट है, अब हो सकता है एक ही फ्लावर के बीच एक ही फ्लावर में क्या हो रहा है, पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है, या फिर दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ये दोनों फ्लावर एक ही प्लांट में है, तब मैं ऐसे टाइप ऑफ पॉलिनेशन को बोलूंगा सेल्फ पॉलिनेशन। तो सिंपल तरीके से हम याद कर सकते हैं कि अगर प्लांट सेम है तो सेल्फ पॉलिनेशन, सेम प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर कंडीशन ये हो कि एक प्लांट के किसी एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो और वो किसी दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के पिस्टिल के स्टिग्मा पे जाकर के लैंड करे, तो यानी कि यहाँ पे प्लांट आपका क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो जैसे ही डिफरेंट प्लांट आपको समझ में आया वैसे ही क्या बोल देना है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो हम कैसे इसको लर्न कर सकते हैं, सेम प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन। अगर प्लांट सेम होगा, एक ही किसी एक पर्टिकुलर प्लांट के पॉलन उसी प्लांट के सेम प्लांट के सेम फ्लावर या फिर उसी प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर्स को पॉलिनेट कर रहे हो, तब मैं क्या बोलूंगा, उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलूंगा। यानी मैं ये कह रहा हूं कि प्लांट सेम हो किसी भी कंडीशन में, चाहे फ्लावर सेम हो या चाहे डिफरेंट हो, लेकिन पॉलिनेशन कैसा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। लेकिन जैसे ही प्लांट डिफरेंट हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेम प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन, डिफरेंट प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि सेम प्लांट में भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। प्लांट सेम होगा तो मोनोइसियस प्लांट की कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन इसमें अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब यह है कि एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन, मेल एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो यहां पे टेंडेंसी होगी कि उसी फ्लावर में पॉलन ग्रेन क्या करे, ट्रांसफर हो फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। तो इसको मैं बोलूंगा ऑटोगैमी, यानी कि सेम प्लांट सेम फ्लावर भी, सेम प्लांट सेम फ्लावर ऑटोगैमी। लेकिन अगर प्लांट सेम है आपका लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि दो अलग अलग मेल एंड फीमेल फ्लावर है, पिस्टिलेट एंड स्टेमिनेट फ्लावर्स अलग अलग हैं, तो स्टेमिनेट फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन पिस्टिलेट फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करेगा, लेकिन सेम प्लांट का अगर होगा दोनों फ्लावर्स, तब मैं इसको बोलूंगा जिटोनोगैमी। तो मैंने ये बोला कि पॉलिनेशन को हम मेजर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रहे हैं, एक कौन सा सेल्फ पॉलिनेशन और एक कौन सा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन तब जब प्लांट सेम हो, क्रॉस पॉलिनेशन तब जब प्लांट डिफरेंट हो। और सेल्फ पॉलिनेशन में भी हमने आपको बताया कि दो कैटेगरीज हैं, एक सेम प्लांट सेम फ्लावर वाली जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी। लेकिन अगर प्लांट सेम हो लेकिन फ्लावर डिफरेंट हो, तब मैं इसको बोलूंगा जिटोनोगैमी। तो ऑटोगैमी, सेम प्लांट सेम फ्लावर, जिटोनोगैमी, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर्स।
तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ऑटोगैमी और ज़िटेनोगैमी है तो दोनों सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में कि यहां पे दोनों में ही प्लांट सेम है, लेकिन ऑटोगैमी में सेम प्लांट सेम फ्लावर, ज़िटेनोगैमी में सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर्स। ऑटोगैमी सेम प्लांट सेम फ्लावर, ज़िटेनोगैमी सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर्स। एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरीके से याद है, कंडीशन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कब टेंडेंसी या चांसेस सेल्फ पॉलिनेशन के ज्यादा होंगे, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियोस में। लेकिन यहां पे मैं बात कर रहा हूं क्रॉस पॉलिनेशन में। क्रॉस पॉलिनेशन में आपको एक बात ये समझ में आ गई है कि प्लांट क्या होगा, डिफरेंट, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट प्लांट होगा। और अगर प्लांट डिफरेंट है तो दिस इज वेरी ऑब्वियस टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे फ्लावर्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर, क्रॉस पॉलिनेशन, और हम यहां पे क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज ज़िनोगैमी। ज़िनोगैमी तो ज़िनोगैमी, ज़िनोगैमी का मतलब क्या है, ज़िनोगैमी पहली चीज तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन है। और ज़िनोगैमी तब बोलेंगे हम जब प्लांट भी डिफरेंट हो और फ्लावर भी डिफरेंट हो। तो तीन कैटेगरी पॉलिनेशन की हमारे पास, तीन कैटेगरीज पॉलिनेशन की हमारे पास, ऑटोगैमी, ज़िटेनोगैमी एंड ज़िनोगैमी। ऑटोगैमी सेल्फ सेम प्लांट सेम फ्लावर, सेम प्लांट सेम फ्लावर ऑटोगैमी, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर ज़िटेनोगैमी, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर ज़िनोगैमी। ज़िनोगैमी ज़िनोगैमी यानी मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे कंडीशन ये है कि सपोज ये एक प्लांट है आपका और इसमें ये एक फ्लावर है, और ये फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल, मतलब इसके पास दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो मेल सेक्स ऑर्गन से फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरफ पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे, तो ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी, ज़िटेनोगैमी क्या होगी, सपोज ये प्लांट है आपका, यहाँ पे एक फ्लावर है, सपोज ये मेल फ्लावर है, एक ये दूसरा फ्लावर है, इसको मैं बोल रहा हूँ फीमेल फ्लावर, तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा इस फ्लावर से इस फ्लावर में, तो यानी कि प्लांट तो सेम है, प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, तब मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, ज़िटेनोगैमी। और ये देखने को मिलेगा आपको मोनोइसियस प्लांट में, मोनोइसियस प्लांट में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक प्लांट ये है, सपोज ये इसमें ये एक फ्लावर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मेल फ्लावर, और ये एक दूसरा प्लांट है, और इसमें सपोज ये एक क्या है, फीमेल फ्लावर है, तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर इस मेल से इस फीमेल की तरफ होगा, यानी कि सपोज ये प्लांट फर्स्ट है P1 और ये प्लांट सेकंड है P2, और ये फ्लावर फर्स्ट है F1 और ये फ्लावर सेकंड है F2, तो एक प्लांट के किसी एक मेल फ्लावर से दूसरे प्लांट के किसी दूसरे फीमेल फ्लावर में पॉलन ग्रेन का क्या हो, ट्रांसफर हो, तब मैं ऐसे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन को पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन को क्या बोलूंगा, ज़िनोगैमी। ज़िनोगैमी यानी कि यहाँ पे इसमें मेल फ्लावर है तो इसको हम बोलेंगे मेल प्लांट, इसमें फीमेल फ्लावर है तो इसको हम बोलेंगे फीमेल प्लांट। यानी हम ये कह सकते हैं कि कंडीशन वो है जहां पे मेल एंड फीमेल फ्लावर्स और एज वेल एज मेल एंड फीमेल प्लांट्स अलग अलग हैं, तो मेल एंड फीमेल प्लांट्स अलग अलग होंगे तो ऐसे प्लांट को हम लोग बोलेंगे डाइओसियस प्लांट्स। तो डाइओसियस प्लांट और मोनोइसियस प्लांट के बारे में आपको मैं फर्स्ट चैप्टर से ही बताता चला रहा हूं कि ऐसे प्लांट जिनमें मेल एंड फीमेल दोनों ही फ्लावर्स होंगे वो मोनोइसियस प्लांट होंगे, लेकिन ऐसे प्लांट जिनमें मेल या तो फीमेल फ्लावर होगा, मेल या तो फीमेल फ्लावर होगा, यानी कि या तो मेल फ्लावर्स होंगे या तो फीमेल फ्लावर्स होंगे, तब मैं ऐसे प्लांट्स को बोलूंगा डाइओसियस प्लांट। जैसे कि यहाँ पे इस प्लांट में चाहे जितने फ्लावर्स हों मर्जी इसकी, लेकिन इसमें सिर्फ मेल फ्लावर्स होंगे, इसमें चाहे जितनी मर्जी फ्लावर्स हो लेकिन फीमेल फ्लावर्स होंगे, यानी यहाँ पे मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होंगे, और ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलेंगे डाइओसियस प्लांट। और डाइओसियस प्लांट के दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमको लर्न करने हैं एनसीईआरटी के, एक तो पपाया, पपाया और दूसरा कौन सा, डेट पाम। पपाया और डेट पाम, इन दोनों प्लांट को हमको याद रखना है कौन सी कैटेगरी में, डाइओसियस प्लांट पे, ये एग्जांपल है एनसीईआरटी का। और डाइओसियस प्लांट, डाइसिस प्लांट का मतलब या तो मेल फ्लावर होंगे या तो फीमेल फ्लावर्स होंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें दो तरीके के फ्लावर्स कभी नहीं होंगे। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, दिस इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ऑटोगैमी एज वेल एज ज़िटेनोगैमी के चांसेस नहीं होंगे। सोच करके देखिए, मैंने आपको बताया कि डाइसिस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं
जिनमें या तो मेल फ्लावर होगा या तो फीमेल फ्लावर होगा। चाहे जितने मर्जी फ्लावर्स हो, लेकिन अगर मेल फ्लावर्स है तो सिर्फ मेल ही होंगे। यानी कि मैं ये कह पा रहा हूं कि यहाँ पे प्लांट को हम बोलेंगे या तो मेल या तो फीमेल, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही तरीके के फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे, चाहे मेल फ्लावर्स हो चाहे फीमेल फ्लावर्स हो। तो यहाँ पे चांसेस ही नहीं बनते हैं कि एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो, या फिर एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स में क्या हो, पॉलन का ट्रांसफर हो, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही तरह का क्या है, फ्लावर है। अगर मेल फ्लावर होगा तो सिर्फ इसमें पॉलन्स होंगे, स्टिग्मा या पिस्टल जैसी कोई बात ही नहीं होती। तो इसी सेम प्लांट में पॉलन का ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, तो ऑटोगैमी और ज़िगोटोगैमी के चांसेस हो ही नहीं सकते। फिर मैं बोल रहा हूं आखिरी बार ये सोच के देखिए कि अगर प्लांट ऐसा प्लांट है जिसमें या तो मेल या तो फीमेल फ्लावर्स है, तो क्या यहाँ पे चांसेस बनते हैं क्या कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर विद इन द प्लांट हो सके? हो ही नहीं सकता है। यानी कि यहाँ पे ना तो सेम प्लांट सेम फ्लावर वाली कंडीशन है ऑटोगैमी, ना तो सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर वाली कंडीशन है ज़िगोटोगैमी। द मीन इज दैट वी कैन प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी, वी कैन प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड ज़िगोटोगैमी इन केस ऑफ डाइसियस प्लांट। जो डाइसियस प्लांट होंगे उनमें हम ऑटोगैमी एज वेल एज ज़िगोटोगैमी दोनों को प्रिवेंट कर सकते हैं, दोनों को रोक सकते हैं। यहाँ पे ऑटोगैमी और ज़िगोटोगैमी के चांसेस नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, ज़िगोटोगैमी होगा। फिर मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कन्फ्रंट कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी मैंने पूछा था आपसे पिछले वीडियोस में, कि कौन सी कंडीशन में हम ऑटोगैमी को रोक सकते हैं लेकिन ज़िगोटोगैमी को नहीं रोक सकते हैं। यहाँ पे तो हम ऑटोगैमी और ज़िगोटोगैमी दोनों को प्रिवेंट कर पा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्या आपको ये बात समझ में आ पा रही है क्या कि ऑटोगैमी और ज़िगोटोगैमी को हम क्यों प्रिवेंट कर पा रहे हैं इन केस ऑफ डाइसियस प्लांट? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ये, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह के फ्लावर्स प्रिंट होंगे एक पर्टिकुलर प्लांट में, तो देयर इज नो चांस ऑफ ऑटोगैमी एज वेल एज ज़िगोटोगैमी। लेकिन मैं अगर बात कर रहा हूं ऐसी कंडीशन की जहां पे हम सिर्फ ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर सकते हैं लेकिन हम वहां पे ज़िगोटोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल आपको बताना है अभी। ये आपका होमवर्क है कि हम किस पर्टिकुलर कंडीशन में या कौन से प्लांट्स में या किस पर्टिकुलर प्लांट में ऑटोगैमी को रोका जा सकता है लेकिन ज़िगोटोगैमी को नहीं रोका जा सकता है। ये क्वेश्चन है आपसे कि ऑटोगैमी को रोक पा रहे हैं लेकिन ज़िगोटोगैमी को नहीं रोक पा रहे हैं, जबकि यहाँ पे हम दोनों को प्रिवेंट कर पा रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हमारे पास तीन तरीके का क्या है, पॉलिनेशन है। ऑटोगैमी, ज़िगोटोगैमी, एंड ज़िगोटोगैमी, ऑटोगैमी, ज़िगोटोगैमी एंड ज़िगोटोगैमी, ऑटोगैमी एंड ज़िगोटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन, और ज़िगोटोगैमी को हम क्या बोल रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। यानी मैं ये कह रहा हूं कि ऑटोगैमी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन को हम क्या बोल रहे हैं, ऑटोगैमी, या ऑटोगैमी एक तरीके का सेल्फ पॉलिनेशन है। दोनों सेल्फ पॉलिनेशन, यहां पे फंक्शनली एंड इकोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली। मैंने ये कहा कि ऑटोगैमी फंक्शनली, इकोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, क्योंकि जेनेटिकली क्यों सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा, यहाँ पे किसी भी टाइप का जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि ऑटोगैमी हम बोल रहे हैं जब प्लांट भी सेम हो और फ्लावर भी सेम हो। ये बात आपको पता होगा थोड़ा बहुत, नहीं तो हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे जब जेनेटिक्स वाली यूनिट स्टार्ट करेंगे, कि किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, किसी एक पर्टिकुलर पेरेंट का कोई एक पर्टिकुलर जेनेटिक एंडाउमेंट होगा, उसका कोई पर्टिकुलर जीनोटाइप होगा, चाहे वो जो जीनोटाइप हो, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर एक फिक्स्ड जीनोटाइप होगा। तो चाहे उसमें दो अलग अलग फ्लावर्स के दो अलग अलग गैमेट्स की हम बात करें, चाहे एक ही फ्लावर के दो अलग अलग गैमेट्स की बात करें, उनका भी जीनोटाइप एक ही जैसा होगा। और अगर सेम जीनोटाइप के, सेम जेनेटिक कॉम्बिनेशन के
गैमीट्स आपस में फ्यूज कर रहे हैं या फर्टिलाइज कर रहे हैं, तो जो फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होगा, नई प्रोजेनी जो ऑब्टेन होगी, उसका भी जेनेटिक एंडाउमेंट अपने पेरेंट का जैसा ही होगा। यानी कि यहाँ पे किसी भी तरीके का जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा, चाहे हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑटोगैमी की या ज़िगोटोगैमी की। तो यानी कि हम ये कह पा रहे हैं कि ज़िगोटोगैमी भी जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर हम बात करें फंक्शनली एंड इकोलॉजिकली, तो यहां पे ये हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि फंक्शन के बेसिस पे आप देखिए कि हम ज़िगोटोगैमी बोल पा रहे हैं तब जब एक फ्लावर ये है और एक फ्लावर ये है, और ये मेल फ्लावर है सपोज, ये फीमेल फ्लावर है सपोज, तो यहां से यहां पॉलिन का ट्रांसफर हो रहा है। तो फंक्शन के बेसिस पे आप देखिए कि दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। ये बहुत सिंपल है समझ पाना। लेकिन अगर हम इकोलॉजी के बेसिस पे देखें तो इसका और इसका, इस पर्टिकुलर फ्लावर का कोई अलग ओरिएंटेशन होगा स्पेस में, और इस पर्टिकुलर फ्लावर का कोई दूसरा ओरिएंटेशन होगा। यानी कि इन दोनों फ्लावर्स का स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होने की वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोलॉजी। यानी कि इकोलॉजिकली ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। इकोलॉजिकली एंड फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होगा ज़िगोटोगैमी, लेकिन जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा, बिकॉज देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन इज प्रेजेंट। यहाँ पे किसी भी तरीके का जेनेटिक वेरिएशन ऑब्टेन नहीं हो रहा है। बट वेन वी टॉक ऑफ ज़िगोटोगैमी, ज़िगोटोगैमी इज एक्चुअल क्रॉस पॉलिनेशन, और वी कैन से इट इज ओनली काइंड ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिन ग्रेन्स विच विल प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशंस, जहां पे जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे। क्योंकि अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एक पर्टिकुलर प्लांट के एक फ्लावर जो कि मेल है, वो किसी दूसरे प्लांट के फीमेल फ्लावर को क्या कर रहा है, पॉलिनेट कर रहा है। तो इस प्लांट का कोई एक जीनोटाइप होगा, मान लो ये कैपिटल टी है, और ये जो P2 है इसको मान लो कैपिटल T स्मॉल t है। तो सपोज यहाँ पे दो गैमिट बनेंगे कैपिटल T और कैपिटल T वाले, लेकिन एक ही जैसे होंगे। यहाँ पे दो अलग टाइप के क्या होंगे, गैमिट्स होंगे कैपिटल T स्मॉल t वाले। तो अगर कैपिटल T कैपिटल T से फ्यूज करेगा तो कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t से फ्यूज करेगा तो कैपिटल T स्मॉल t बनेगा। तो इस तरीके से हमारे कहने का मतलब, यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के क्या बनेंगे, प्रोजेनीज बनेंगे। यानी हम ये कह पा रहे हैं कि दो अलग अलग पेरेंट्स होंगे, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो उनके दो अलग अलग जेनेटिक एंडाउमेंट होंगे। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस जो प्रोजेनीज हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर सिंपली हम कह सकते हैं कि प्रोजेनीज दैट आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसी न किसी प्रोस्पेक्टिव से डिफरेंट जरूर होंगी। वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं हो सकती हैं। इवन सिबलिंग्स अगर हम बात करें भाई बहन की, तो भी वो एक जैसे नहीं होंगे, और अपने पेरेंट के जैसे भी हम लोग नहीं होते। तो ऐसे ही सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो दो अलग अलग प्लांट्स का भी जीनोटाइप अलग अलग होगा, इनकी जेनेटिक्स अलग अलग होगी, इनका जेनेटिक एंडाउमेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम ये कह पा रहे हैं कि एक प्लांट दूसरे प्लांट को क्या कर रहा है, अगर पॉलिनेट कर रहा है, यहाँ पे दो अलग अलग प्लांट्स इन्वॉल्व है इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, तो अलग अलग प्लांट के अलग अलग जीनोटाइप्स होंगे। तो मेरे कहने का मतलब, अगर अलग अलग प्लांट, सपोज यहाँ पे मेल गैमीट बन रहा है, यहाँ पे फीमेल गैमीट बन रही है, तो इस फीमेल गैमीट और मेल गैमीट का जीनोटाइप एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होगा, डिफरेंट होगा। तो दो डिफरेंट या दो अलग अलग गैमीट्स, अलग अलग जेनेटिक कॉम्बिनेशन वाले गैमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे, तो जो फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होगा, ये बहुत आसान बात है समझना कि ये बिल्कुल क्या होगा, नया होगा। यानी कि यहाँ पे डिफरेंस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंसेस आएंगे। तो जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द टू मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जेनेटिक्स में। तो यहाँ पे जरूर से जरूर क्या आएगा, जेनेटिक वेरिएबिलिटी या वेरिएशन आएंगे। तो हम ये कह पा रहे हैं कि जो ज़िगोटोगैमी है, ज़िगोटोगैमी जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन आ रहे हैं, जेनेटिक वेरिएबिलिटीज प्रोड्यूस हो रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें फंक्शन और इकोलॉजी के बेसिस पे, तो भी तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग फ्लावर के बीच में हो रहा है। तो हम
फंक्शनली इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे, लेकिन इनका ओरिएंटेशन प्लांट तो कहीं भी हो सकते हैं दोनों, यानी कि स्पेस में अलग अलग इनका क्या होगा ओरिएंटेशन होगा, तो इकोलॉजिकली भी ये क्या होगा क्रॉस पॉलिनेशन होगा, इकोलॉजिकली भी क्या होगा क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो इतनी सी बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। एक बार हम सारी चीजों को सम अप कर रहे हैं, बहुत एक्टिव रहिएगा इस चीज को समझने के लिए क्योंकि मैं बहुत फास्ट बोलने वाला हूँ, तो अलर्ट रहिएगा। मैं पूरे पॉलिनेशन को एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। पॉलिनेशन किसको बोलेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल, और अगर सेम प्लांट है तो सेल्फ पॉलिनेशन, डिफरेंट प्लांट है तो क्रॉस पॉलिनेशन। सेम प्लांट सेम फ्लावर ऑटोगैमी, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर जिटोनोगैमी, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर जीनोगैमी। ऑटोगैमी जेनेटिकली फंक्शनली एज वेल एज इकोलॉजिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, बट जिटोनोगैमी जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है लेकिन फंक्शनली और इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है। एक्चुअल क्रॉस पॉलिनेशन इज जीनोगैमी, जीनोगैमी फंक्शनली जेनेटिकली इकोलॉजिकली तीनों तौर पे क्या है क्रॉस पॉलिनेशन है। एंड जीनोगैमी इज ओनली काइंड ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलन्स विच श्योरली प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएबिलिटीज, जो जेनेटिक वेरिएबिलिटीज या जेनेटिक वेरिएशंस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इतनी बात आपको समझ में आ गई है अगर, तो पॉलिनेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं। इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज होंगे उसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कोई चांस नहीं बनता है कि आप उसमें फंसे। अब अगला वीडियो जब हम करेंगे तो वो भी रिलेटेड होगा पॉलिनेशन से, लेकिन वो एग्जैक्टली पॉलिनेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि अब हम पॉलिनेशन और पॉलिनेशन के काइंड्स या टाइप्स समझ चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि जो क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन है वहां पे हम डिफरेंशिएट करेंगे और अच्छी तरीके से। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर है, क्योंकि मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों मोटाइल इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट विच रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ एजेंट, जो किसी पर्टिकुलर एजेंट एजेंसी के थ्रू ट्रांसफर हो सकते हैं, केवल अपने आप तो जा नहीं सकते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट एजेंसीज या एजेंट्स हैं जो पॉलन ग्रेन को एक जगह से उठा करके दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर देती हैं, और इन एजेंसीज या इन एजेंट्स की कहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि बिना इनके काम नहीं चल सकता है, और कहाँ पे किस केस में इन पे डिपेंडेंसी बहुत कम होगी, या फिर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इन केस ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर देयर इज नो नीड ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, यहाँ पे किसी भी तरीके के पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे एश्योर्ड सेट ऑफ सीड्स प्रोड्यूस होते हैं इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, ये हम बात कर चुके हैं। लेकिन अगले वीडियो में हम इसके लिए डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये पॉलिनेटिंग एजेंसीज या जो एजेंट्स हैं कहाँ पे जरूरी हो जाती हैं और कहाँ पे इनका काम बहुत कम होता है और इनकी डिपेंडेंसी कहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अगला टॉपिक जो होगा हमारा डिस्कशन का वो होगा पॉलिनेटिंग एजेंट, यानी कि जो एजेंट एजेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं जस्ट टू ट्रांसफर पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल और कार्पल। तो पॉलिनेशन के अभी तक के डिस्कशन को आप बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करिए सो दैट कि आपको अगला टॉपिक पॉलिनेटिंग एजेंट वाला टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। एक बात आप सोचेंगे इसको पढ़ते टाइम कि कहाँ पे जरूरत पड़ेगी पॉलिनेटिंग एजेंट की, तो आपको समझ में आएगा कि क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए किसी बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन आपको कम से कम ये सोचना है, अपने से थोड़ा सा समझना है कि कहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इतना आप बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करिए, फिर हम जब वापस मिलेंगे तो पॉलिनेटिंग एजेंसीज के लिए बात करेंगे या पॉलिनेटिंग एजेंट्स के लिए बात करेंगे।